सही है, इसीलिए आप फिर मैंने आपको बताया एक नए सिंबल तो नए पार्टी के नाम से हमने नहीं जो 25 साल के हुए हैं 25 साल ये लोग प्रियंका जी वो 25 साल के अलायंस में जो तोड़ा गया उसमें तो आप हाथ था, उसमें तो दोनों का हाथ था, बीजेपी का भी हाथ होगा, शिवसेना का भी हाथ होगा। ओके ओके मैं जब हेलो दोस्तों, अमीश देवगन जब जब अपने डिबेट में प्रियंका चतुर्वेदी को बुलाता है तब तक उसे जलील होना पड़ता है, मगर बेचारा गुल्लू करे भी तो करे क्या, उसको तो भाजपा सरकार को बचाने की गंदी आदत लगी हुई है और यही गंदी आदत की वजह से उसे लाइव डिबेट में गालियां पड़ती है। वैसे तो प्रियंका चतुर्वेदी के सामने वो ज़्यादा भाजपा का सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी अमीश देवगन को जमकर धुलाई कर देती है और आज भी डिबेट में यही हुआ है, देखे ये वीडियो। इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन कैसे हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ चुकी है और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कल रिएक्शन आया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, शरद राव पवार की भी बात आई, क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में भी स्पीकर को लेकर एक मत नहीं था, खटपट थी कुछ? हर बार याद दिलाते हैं, अरे बाला साहेब जी की शिवसेना, बाला साहेब जी की शिवसेना, अरे बाला साहेब जी की शिवसेना को 25 साल आपके साथ खड़े रहे हैं, आपके जब आपने ऊंचाइयों का स्तर देखा होगा, जब निचाई का स्तर देखा होगा, आपकी हंसी में आपकी खुशी में, जब नितिन गडकरी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी हारे थे और सरकार नहीं बना पाए थे, हम तभी भी आपके साथ खड़े रहे थे, आपने हमें मंत्री पद दिया नहीं दिया हम उसमें कभी चर्चा में नहीं गए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, पर हाँ ये जरूर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना पूछना चाहेगी आपसे, 25 साल का अलायंस तोड़ा आप लोगों ने और तोड़ने के बाद जो आपने जुर्रत की हमारी पार्टी को तोड़ने की, वो बाला साहेब ठाकरे जी का आपको ध्यान नहीं आया, जो पीठ में खंजर घोपने का काम किया आपने, तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? तभी महाराष्ट्र की जनता, अभी भी आप अहंकार से बात करेंगे बाला साहेब जी के बारे में, महाराष्ट्र की जनता ने, और आपसे विनम्र निवेदन है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको एक बड़ा सबक सिखाया है, वो 25 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीट लड़कर जीत कर आई 2019 में, आज वही एक मिनट प्लीज अमीश देवगन जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो महाराष्ट्र में डेंट हुआ और बार बार आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी की जीत थी, उद्धव ठाकरे की जीत नहीं थी, लेकिन इस बार तो उद्धव ठाकरे की प्योर सीटें हैं ये 9 और एक बड़ा, हालांकि हम बताते हैं आपको, अगर ओवरऑल हम देखें तो शिवसेना को भी, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उससे वो भी नीचे आई और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और शिवसेना का तो सिंबल भी वो नहीं था, तो इन दैट वे प्रियंका चतुर्वेदी की जो बात है वो थोड़ी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इस बार ये ओरिजिनल शिवसेना जो अपने सिंबल के साथ लड़ती थी वो नहीं लड़ती। ओके ओके नहीं प्रियंका जी, प्रियंका जी थोड़ी ठीक है उनकी बात, थोड़ी ठीक है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, मैंने आपको बताया कैसे, अरे आपकी बात सही है, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे, इसीलिए फिर मैंने आपको बताया एक नए सिंबल नए पार्टी के नाम से हमने नहीं जो 25 साल के खड़े हुए हैं 25 साल ये लोग प्रियंका जी वो 25 साल के अलायंस में जो तोड़ा गया उसमें तो इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, उसमें तो दोनों का हाथ था, बीजेपी का भी हाथ होगा, शिवसेना का भी हाथ होगा। ओके ओके मैं जवाब ले लेता हूँ, ओके मैं तो पूरी हिम्मत दिखाता हूँ जी, कभी यहाँ बैठ खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।